दिल्ली, अपना जो दिल्ली है, राजधानी दिल्ली, वहां पर राहुल गांधी अपना दमखम दिखाएंगे। बता दें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में एंट्री कर चुकी है और इसके साथ ही राजनीति भी शुरू हो गई है, जहां राहुल गांधी ने कहा कि यात्रा अब मोहम्मद की इस आवाज और भारत के लोगों के मैसेज को दिलवाने की नगरी यानी कि दिल्ली तक ले जाएंगी। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोविड केस बढ़ रहे हैं तो लगातार कोरोना को भी बीच में लाया जा रहा है, जन सैलाब के बीच कोरोना का भी अब बात होने लगी है और इस पर रोकथाम के लिए सरकार ने उचित कदम भी उठाए तो कांग्रेस इसका विरोध क्यों कर रही है, ये भी बात सामने आ रही है और इसको लेकर अनुराग ठाकुर लगातार बयान दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इसको लेकर बयान दे रहे हैं। बता दें आपको कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा राजधानी दिल्ली में एंट्री कर चुकी है और आज यात्रा ने बदरपुर बॉर्डर से सुबह दिल्ली में प्रवेश किया और इस यात्रा में प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल हो गई है और यात्रा करीब 10:30 बजे जयदेव आश्रम चौक के पास पहुंचेगी, शाम करीब 4:30 बजे लाल किले पर जाएगी। यात्रा के दिल्ली आने पर राजनीति भी शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दावा कर दिया है कि देश में कोविड केसों में फिर से उछाल देखने को मिल रहा है और लेकिन कांग्रेस केंद्र द्वारा घोषित कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रही है तो लगातार राजधानी में जनसैलाब देखने को मिल रहा है और कोरोना की चेतावनी के बीच ये यात्रा अब दिल्ली में एंट्री कर चुकी है। वहीं राजधानी दिल्ली में एंट्री करने से पहले राहुल गांधी ने भी कहा था कि आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के द्वार पर खड़े हैं और इस यात्रा के लिए और देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। और लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं जिस तरह से जन सैलाब देखने को मिल रहा है। भारत जोड़ो यात्रा अब दिल्ली में एंट्री कर चुकी है और दिल्ली वासियों का जन सैलाब भारत जोड़ो यात्रा के साथ देखने को साफ तौर पर मिल रहा है। लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप, सुबह के समय है और जहां पर राहुल गांधी की यात्रा जो है उनका जन सैलाब देखने को मिल रहा है और इस यात्रा के लिए और देश के लिए ऐतिहासिक क्षण है और इस पूरी यात्रा के दौरान अपने लोगों के जबरदस्त ज्ञान से सीखा है हमने, उनकी पीड़ा देखी है और उनकी आकांक्षाओं को सुना है, ऐसा भी कहना है राहुल गांधी का। बता दें आपको कि इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने यह भी कहा कि भारत जोड़ो यात्रा अब मोहम्मद की इस आवाज और भारत के लोगों के मैसेज को दिलवाने की नगरी यानी दिल्ली तक ले जाएगी। उन्होंने कहा कि आप लोग मेरे शब्दों का नोट कर लें, आपकी नफरत को हमारा प्यार काटेगा। तो राहुल गांधी का जनसैलाब अब दिल्ली में देखने को मिल रहा है। राजधानी दिल्ली में अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहुंच चुकी है। अब देखना यह होगा कि ये भारत जोड़ो यात्रा आखिर कितना जनसैलाब ला पाएगी विधानसभा चुनाव में। इसको लेकर लगातार जो तैयारियां थी और भारत जोड़ो यात्रा जो दिखी उनमें जनसैलाब देखने को मिला। बता दें आपको कि राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि 30,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुके हैं जबकि अभी भी मजबूती से चल रहे हैं। लोग सोचते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है तो समझ लीजिए कि ये भारत के लोगों की शक्ति है जो इस यात्रा के पीछे असली ताकत है। तो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी ने भी ये कह दिया था कि यात्रा पूरी कर चुके हैं और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अभी भी मजबूती से चल रहे हैं। लोग सोचते हैं कि ये कैसे पॉसिबल होगा तो लीजिए ये भारत के लोगों की शक्ति है जो यात्रा को असली ताकत दिखा रही है और हमने जहां भी यात्रा की है मैंने एक ही चीज़ देखी है, मोहब्बत साथ ही और महंगाई हटाओ, बेरोजगारी मिटाओ, नफरत मत फैलाओ, हिंदुस्तान की ये रजा के सिंहासन तक से हम दिल्ली आ गए। तो आपको बता दें भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जनसैलाब देखने को मिल रहा है और वहीं जानकारी के अनुसार ये भी बता दें आपको कि लगातार विपक्ष भी इस पर हमलावर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अनुराग ठाकुर ने कह दिया कि दिल्ली भर के कई देश कोविड मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी जूझ रहे हैं और सरकार ने लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाए हैं तो कांग्रेस इसका विरोध क्यों कर रही है, प्रोटोकॉल सबके लिए होते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी कहा कि वैश्विक स्तर पर कोविड के हालातों के बीच हमने दिशा निर्देश जारी किए और कांग्रेस नेताओं को तय करना है कि क्या वे जिम्मेदारी नागरिकों की तरह दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। तो आपको बता दें कि लाइव तस्वीरें पहले आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से जनसैलाब जो है दिल्ली में देखने को मिल रहा है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। वहीं आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक नियमों का भी आराम से पालन किया जा रहा है और अपने साइड से यहां पर
जनसैलाब जो है वो देखने को मिल रहा है। बता दें आपको कि विपक्ष भी इसको लेकर लगातार हमलावर होते हुए दिखाई दे रहा है और राहुल की यात्रा में बड़ी संख्या में पैदल यात्रियों और वाहनों के शामिल होने की भी उम्मीद जो थी वो कायम होती हुई दिखाई दे रही है। और भारत जोड़ो यात्रा में भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस के एडवाइजरी भी जारी कर दी है। ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों से अपील की है कि यदि संभव हो तो प्रभावित सड़कों से बचकर यात्रा करें और आने जाने में कोई परेशानी ना हो। तो लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो सुरक्षा के इंतजाम है वो भी देखने को मिल रहे हैं और इसके साथ ही यात्रियों से अपील की जा रही है संभव हो तो प्रभावित सड़कों से बचकर यात्रा करें और जाने आने में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सार्वजनिक परिवहन का अधिकतम उपयोग भी करें। तो आपको बता दें कि दिल्ली के प्रभावित सड़कें और स्थान आपको बता देते हैं, बदरपुर फ्लाईओवर है, प्रहलादपुर रेड लाइट है और इसके साथ ही बहरोली बदरपुर रोड, अपोलो फ्लाईओवर मथुरा रोड और CRRI रेड लाइट है, मथुरा रोड मोदी मिल फ्लाईओवर और इसके साथ ही आश्रम चौक, आपको बता दें कि इसको लेकर मिंटो रोड रेड लाइट और गुरु नानक चौक राजघाट और ऐसे ही कई चौक हैं जहां पर बताया जा रहा है कि हनुमान मंदिर, ऐसे कई चौक है जहां पे सुरक्षा के इंतजाम है जहां से यात्रा अब प्रभावित ना हो इसको लेकर भी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। और राहुल गांधी के स्वागत के लिए कस्तूरबा बालिका विद्यालय की छात्राएं भी पदयात्रा में पहुंची है। तो बड़ी जानकारी आपको ये भी दे दें कि राहुल गांधी के स्वागत के लिए लगातार दिल्ली वासियों का जनसैलाब जो देखने को मिल रहा है और वहीं उनके स्वागत के लिए बालिका विद्यालय की छात्राएं पदयात्रा पे पहुंची है। तो ट्रैफिक नियमों का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है और लाइव तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में जनसैलाब देखने को मिल रहा है और वहीं ग्राउंड रिपोर्ट में हमारी पूरी टीम पहुंची हुई है। आपको बता दें कि जिसको लेकर लगातार अपडेट भी मिल रही है और न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की तरफ से चीफ एडिटर मारूफ रजा मौके पर मौजूद हैं और इसके साथ ही दिल्ली से ब्यूरो हेड सैयद मुबशिर हमारे साथ मौजूद हैं और सभी लगातार अपडेट दे रहे हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर दिल्ली में अब जनसैलाब देखने को मिला है और वहीं ट्रैफिक नियमों का भी पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। तो राजधानी दिल्ली में लगातार जनसैलाब देखने को मिल रहा है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर और राहुल की यात्रा में बड़ी संख्या में पैदल यात्री और वाहनों के शामिल होने की उम्मीद है। आपको बता दें जो उम्मीद थी वो कायम होती हुई भी साफ तौर पर नजर आ रही है। आप बैनर देख सकते हैं कि किस तरह से तस्वीरों में बैनर लगे हुए हैं और दिल्ली से ब्यूरो हेड हमारे साथ सैयद मुबशिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैयद, अभी की क्या अपडेट चल रही है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर? बिल्कुल सुमन, देखिए जिस तरीके से कह सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई, साउथ के इलाके से आज दिल्ली पहुंची है एक भव्य स्वागत की तरह, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली ने बिल्कुल बाहें फैलाकर उनका स्वागत किया और राहुल गांधी खुद एक बार कह सकते हैं कि जो जनता को जोड़ने में वो तकरीबन सफल होते नजर आ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा जिस तरीके से लगातार अपने अर्थ चल रही है, आगे चल रही है, उसको लेकर भी अब कयास ये लगाए जा रहे थे कि जिस तरीके से जो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, मैं पीछे पहले आपको तस्वीरें दिखा दूं, मेरे पीछे आप ये तस्वीरें देख रहे होंगे, ये पूरा रास्ता अभी मथुरा रोड पे है और मथुरा रोड से लगातार कई हजारों की संख्या में अभी लोग आगे निकल चुके हैं। राहुल गांधी फिलहाल पीछे हैं, अभी एक प्रोग्राम के लिए रुके हैं, कई जगह स्टॉपेज है बीच बीच में और उनपे यहाँ जो है 10-10 मिनट का टाइम दे दे के उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी आगे बढ़े थे उसमें वो सफल होते हैं जरूर नजर आ रहे हैं। सुमन जी, बिल्कुल सैयद, अगर कोरोना प्रोटोकॉल की बात करें जाए तो अनुराग ठाकुर ने भी बयान दे दिया है कोरोना को लेकर। बिल्कुल, देखिए सत्ता पक्ष लगातार अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पे सवाल खड़े कर रहा है, चाहे वो कोविड के बढ़ते मामले हो, चाहे वो जिस तरीके से सतर्कता बरतने की बात हो, उन सभी को लेकर कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है वो अब राहुल गांधी को निशाने पर लेने को तैयार है पूरी तरीके से। कई बड़े नेताओं के बयान भी आए, जैसे खुद अनुराग ठाकुर ने कहा कोविड को नियमों का पालन करना चाहिए, जिस तरीके से चीजें होनी चाहिए वो नहीं हो रही है और इसको पूरी तरीके से भारत तोड़ने की बात कहने की जो गैस थी वो भारतीय जनता पार्टी शुरू से कहती आ रही है। लेकिन दिल्ली में प्रवेश करने के बाद जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ा है उससे साफ तौर पर एक संदेश जरूर जाता है, कांग्रेस जिस मकसद के साथ आगे बढ़ रही थी उसमें लगभग कामयाब होती नजर आ रही है। बिल्कुल सैयद, जिस तरह से मैं देख पा रही हूँ कि लोगों में काफी उत्साह भी नजर आ रहा है, अगर आप लोगों से बात करें कि यात्रा में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है, मैं आपके साथ देख रही हूँ, आपके पीछे लोग मौजूद है, उनसे थोड़ा बातचीत करके पता चलेगा कि उनके अंदर कितना उत्साह है। बिल्कुल, मैं बात करने की कोशिश करूंगा, आपको क्या लग रहा है अभी जिस तरीके से राहुल गांधी लेके चले हैं भारत जोड़ो यात्रा, कितना उत्साहित लग रहे हैं आप लोग? जिस तरीके से राहुल गांधी से श्याम राम सुनने का चल रहे हैं,
शहीद, थोड़ा माइक उनके पास कीजिए, जनता तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बिल्कुल सुमन, मैं कोशिश करता हूं तो आपको ऑडियो क्लियर आए, लेकिन अभी यहां पर थोड़ा, क्योंकि हाईवे पे इस वक्त मौजूद है। कहां सबसे बड़ी परेशानी यह है कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है और जिसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कतों का सामना फिलहाल करना पड़ रहा है, तो अभी कुछ समय। तो हम शहीद से दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि कोरोना की चेतावनी के बीच भारत जोड़ो यात्रा जो है दिल्ली में देखने को मिल रही है, और वहीं पर जिस तरह से हमारे सहयोगी ने बताया है कि जो जनसैलाब है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और यात्रा काफी आगे तक चलती जा रही है। वहीं राहुल गांधी अभी फिलहाल एक प्रोग्राम के लिए रुके हुए हैं, लेकिन राहुल गांधी जल्द ही हमसे बातचीत भी करेंगे और इसको लेकर भी हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा जो है लगातार उनका जनसैलाब देखने को मिल रहा है और इसके साथ ही भारी संख्या में लोग भी मौजूद हैं। और वहीं जानकारी ये भी है कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लगातार जो जनसैलाब की उम्मीद की जा रही थी वो लगातार जनसैलाब भी देखने को मिल रहा है। तो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लगातार जनसैलाब देखने को मिल रहा है। वहीं आपको बता दें राहुल गांधी का साफ तौर पर कहना है कि आपकी नफरत को हमारा प्यार, दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री। तो लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह काफी देखने को मिल रहा है, और इसके साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली पहुंची भारत जोड़ो यात्रा में काफी लोग शामिल हैं और दिल्ली वासियों ने जोरदार राहुल गांधी का स्वागत किया है और जनसैलाब भारत जोड़ो यात्रा में देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में एंट्री कर चुकी है और इसके साथ ही राजनीति भी शुरू होती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है, जहां राहुल गांधी ने कहा कि यात्रा अब मोहम्मद की इस आवाज और भारत के लोगों के मैसेज को दिलवाने की नगरी यानी दिल्ली तक ले जाएगी। और वहीं अब इसको लेकर अनुराग ठाकुर ने भी बयान दे दिया है। उन्होंने कह दिया है कि कोविड केस बढ़ रहे हैं और इस पर रोकथाम के लिए सरकार ने उचित कदम उठाया है। शैयद लगातार हमारे साथ बने हुए, शैयद अभी क्या अपडेट चल रही है? शैयद मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो कोरोना की चेतावनी के बीच यात्रा अब दिल्ली में एंट्री कर चुकी है, वहीं जनसैलाब जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि ठंड का मौसम है, लेकिन फिर भी यात्रा में जो जोश है वो कम होता हुआ नहीं नजर आ रहा है और लगातार यात्रा में लोग शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें आपको कि ठंड के समय में भी यात्रा का जो जनसैलाब है वो लगातार देखने को मिल रहा है भारत जोड़ो यात्रा। बता दें आपको कि राहुल गांधी कि भारत जोड़ो यात्रा काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं लोग इसमें, और इसके साथ ही बैनर आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से बैनर लगाए गए हैं राहुल गांधी के स्वागत के लिए, और इसी के साथ ही यहां पर भारत जोड़ो यात्रा में महिलाएं भी शामिल नजर आ रही हैं। और इसके साथ ही ग्राउंड रिपोर्ट पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं मारूफ रजा और इसके साथ ही सैयद मुबशिर, लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर और लगातार वहां से अपडेट दी जा रही है। लोगों का काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है भारत जोड़ो यात्रा में, और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में एंट्री करते ही अब जनसैलाब जो है वो डबल होता हुआ साफ तौर पर नजर आएगा, क्योंकि दिल्ली वासियों ने बेहतरीन स्वागत किया है भारत जोड़ो यात्रा का और राहुल गांधी का। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा आज दिल्ली में एंट्री कर चुकी है और आज यात्रा ने बदरपुर बॉर्डर से सुबह दिल्ली में प्रवेश किया है और इस यात्रा में प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल हो गई हैं। और यात्रा बताया जा रहा है कि करीब 10:30 बजे यानी 9:45 हो रहे हैं, लेकिन 10:30 बजे जयदेव आश्रम और आश्रम चौक के पास ये यात्रा पहुंचेगी। कुछ ही देर में यह यात्रा पहुंच जाएगी और शाम करीब 4:30 बजे लाल किले पर ये यात्रा पहुंचेगी। बता दें आपको कि यात्रा के दिल्ली आने पर राजनीति भी शुरू होती जा रही है, वहीं सुरक्षा व्यवस्था के भी इंतजाम देखे जा रहे हैं। ट्रैफिक नियमों की बात करें तो ट्रैफिक नियमों का भी पालन लगातार होता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। वहीं आग्रह किया जा रहा है कि ट्रैफिक नियमों की पालना भी की जाए, और आपको बता दें कि इसमें
जो केंद्रीय मंत्री है प्रहलाद जोशी, उन्होंने भी बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने कहा है कि वैश्विक स्तर पर कोविड के हालातों के बीच ही हमने दिशा निर्देश जारी किए हैं और ये कांग्रेस नेताओं को तय करना है कि क्या वे जिम्मेदार नागरिकों की तरह दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। केंद्रीय मंत्री आपको बता दें मनसुख मंडाविया ने भी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखे हैं और यात्रा के दौरान कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने को भी कहा गया है। तो कोरोना के बीच भारत जोड़ो यात्रा देखना होगा कि अब कितना जन सैलाब ला पाएगी। और राहुल गांधी की यात्रा में ही बड़ी संख्या में पैदल यात्रियों और वाहनों से शामिल होने की भी उम्मीद जताई जा रही है, जो साफ तौर पर देखने को भी मिल रही है। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा में भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है और ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों से अपील की है कि यदि संभव हो तो प्रभावित सड़कों से बचकर यात्रा करें और आने जाने में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सार्वजनिक परिवहन का अधिकतम उपयोग करें। इसको भी लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। तो ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है और इसके साथ ही जो रूल्स है वो भी फॉलो किए जा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल की यात्रा में ही बड़ी संख्या में पैदल यात्रियों के लिए वाहनों के शामिल होने की इसमें उम्मीद जताई गई थी, जिसको लेकर एडवाइजरी जारी की गई है और इसके साथ ही सभी नियमों को पालना करते हुए यात्रा जो है आगे बढ़ती जा रही है। तो आपको बता रहे थे अपडेट जहां पर राहुल गांधी, बता दें आपको कि यात्रा उनकी शामिल है और उसको लेकर यात्रा में जनसैलाब भी देखने को मिल रहा है। और इसके साथ ही आपको बता दें राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आप इस आवाज़ को ज़रूर सुने, ये आपके अहंकार को चकनाचूर कर देगा और नफरत की उस आग को बुझा देगा जिसे आपने 8 साल से ज़्यादा समय तक पाला है। राहुल गांधी ने कहा कि हम 30,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुके हैं जबकि अभी भी मजबूती से चल रहे हैं। लोग सोचते हैं कि कैसे पॉसिबल है, तो समझ लीजिए कि ये भारत के लोगों की शक्ति है और जो इस यात्रा के पीछे असली ताकत है। हमने जहां भी यात्रा की है मैंने एक ही चीज़ देखी है, मोहब्बत साथ ही कहा कि महंगाई हटाओ, बेरोजगारी मिटाओ, नफरत मत फैलाओ, हिंदुस्तान की आवाज़ राजा के सिंहासन तक कर हम दिल्ली आए हैं। तो इसको लेकर भी राहुल गांधी ने कहा है कि राजा के सिंहासन तक लेकर हम दिल्ली आ गए हैं और इसको लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया कि नफरत हटाने की राहुल गांधी ने बात करी। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लगातार जनसैलाब देखने को मिल रहा है, वहीं भारी भीड़ इसमें मौजूद नजर आ रही है। तो वही जानकारी के अनुसार आपको बता रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखे और यात्रा के दौरान कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने को भी कहा है। तो लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में ट्रैफिक नियमों का बखूबी जो है पालन किया जा रहा है और इसके साथ ही जनसैलाब जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है और भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में एंट्री कर चुकी है। दिल्ली वासियों ने बेहतरीन स्वागत किया है भारत जोड़ो यात्रा का और इसके साथ ही आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लगातार अपडेट जो है हम आप तक पहुँचा रहे हैं और ठंड के बीच यात्रा जो है इसमें जोश कम होता हुआ कहीं नजर नहीं आ रहा है, लगातार जोश नजर आ रहा है। और इसको साथ ही आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में एंट्री कर चुकी है और राहुल गांधी ने साफ बताया कि आपकी नफरत को हमारा प्यार है। दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री राहुल गांधी ने हुंकार भर दी है और प्रियंका गांधी भी इसमें शामिल हो गई है। तो भारत जोड़ो यात्रा की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोगों की मौजूदगी जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा अब दिल्ली में एंट्री कर चुकी है, दिल्ली वासियों ने जोरदार स्वागत किया है। ठंड के बीच ये यात्रा लगातार देखने को मिल रही है। आप तिरंगा देख सकते हैं कि तस्वीरों में किस तरह से तिरंगा लहराते हुए सामने से आता हुआ नजर आ रहा है और इसके साथ ही भारत जोड़ो यात्रा जो है वहां पर जनसैलाब जो है साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, लोग शामिल है भारत जोड़ो यात्रा में। तो राजधानी में भारत जोड़ो यात्रा का जनसैलाब साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, लोगों के बीच दिखाई दे रहा है उत्साह जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में एंट्री कर चुकी है और राजनीति भी इसको कहीं ना कहीं शुरू होती इस पर दिखाई दे रही है। राजधानी में राहुल गांधी अपना दम दिखाने आ चुके हैं और इसको लेकर लगातार राजनीति भी गर्माती हुई नजर आ रही है। तो आपको बता दें लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी
कि भारत जोड़ो यात्रा में जनसैलाब जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है, वहीं जनसैलाब में भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा आज दिल्ली में एंट्री कर चुकी है और आज यात्रा ने बदरपुर बॉर्डर से सुबह दिल्ली में प्रवेश किया और इस यात्रा में प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल हो गई हैं। तो यात्रा में जनसैलाब देख सकते हैं आप किस तरह से जनसैलाब देखने को मिल रहा है।